Indian nationalism took place under British colonialism. The shared experience of colonial domination helped unify and energize different sections of the community. और ये जो colonial domination की वजह से हम कह सकते हैं कि help है, ये helpful रहा लोगों को जोड़ने में, यूनाइटेड करने में और एनर्जाइज करने में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज थी वो एक साथ मिलके आई और उन्होंने जो अपने आपसी जो झगड़े थे, जो छोटी छोटी स्टेट्स में जो बटे हुए थे उस टाइम पे जो हमारे इंडिया था, उन लोगों ने अपने आपसी झगड़े मिटाकर वो एक नेशन बने, एक नेशनलिज्म की उनके अंदर भावना आई और वो एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो खड़े हो। कॉलोनियलिज्म क्रिएटेड न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज विच केम टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन सबसीक्वेंट हिस्ट्री. द मिडिल क्लास इमर्ज आफ्टर रिसीविंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट बिकम द मेन कैरियर्स ऑफ नेशनलिज्म एंड दे लेड द कैंपेन फॉर फ्रीडम. इन दिस कॉलोनियल पीरियड अ न्यू क्लास इमर्ज दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास. And this class play an important role in nationalism and the freedom movement. Indian nationalism took place under British colonialism. The shared experience of colonial domination helped unify and energize different sections of the community. और ये जो colonial domination की वजह से हम कह सकते हैं कि help है, ये helpful रहा लोगों को जोड़ने में, united करने में और energize करने में different sections of the community, different different जो communities थी वो एक साथ मिलके आई और उन्होंने जो अपने आपसी जो झगड़े थे, जो छोटी छोटी स्टेट्स में जो बटे हुए थे उस टाइम पे जो हमारे इंडिया था, उन लोगों ने अपने आपसी झगड़े मिटाकर वो एक नेशन बने, एक नेशनलिज्म की उनके अंदर भावना आई और वो एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो खड़े हो. कॉलोनियलिज्म क्रिएटेड न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज विच केम टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन सबसीक्वेंट हिस्ट्री. The middle class emerged after receiving Western education and it became the main carriers of nationalism and they led the campaign for freedom. In this colonial period, a new class emerged that is called middle class. And this class play an important role in nationalism and the freedom movement.